अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं टोटिया रैप्स, जिसे कि फ्लैट ब्रेड भी कहा जाता है। ये बेसिकली मैदे से बनी हुई एक पतली रोटी होती है, जिसे कि डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे डिफरेंट किस्म की कैसेडियाज़ बना सकते हैं, चिकन रैप्स बना सकते हैं या बरीटोज़ बना सकते हैं, टैकोज़ बना सकते हैं। इसको बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाना है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, इसको मैंने छान लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर, इससे ये बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। पानी हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक ही शामिल करेंगे। हमने इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है, जो कि ना तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो ना ही बहुत ज़्यादा नरम। टोटिया रैप से बनी हुई चिकन कैसेडिया की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और इसे ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम एक दफ़ा फिर से इसको गूंद लेंगे। डो हमारी तैयार है। अब हम काउंटर पे मैदा डस्ट कर लेंगे, इसके ऊपर ये डो रख लेंगे और इसको हाथ से इस तरह रोल करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे। अब हम इसके 5 से 6 एक जैसे पीसेस कर लेंगे। अब हम एक हिस्सा इसमें से रख लेंगे और बाकी के उठा लेंगे। इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक रोलिंग पिन से इसको बेल लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के टोटियाज़ बेल सकते हैं। आपको बड़े चाहिए तो आप बड़े बना सकते हैं, दरमियाने साइज़ के चाहिए या आपको छोटे साइज़ के चाहिए, तो जिस साइज़ के आप टोटिया बनाना चाहते हैं आप पेड़ा भी उसी हिसाब से लीजिएगा। इसको हमने पतला सा बेल लिया है, ये देखें, इसको हमने मोटा नहीं बेलना, ये बहुत ही पतली सी एक रोटी होती है। ये देखें, ये इतना पतला मैंने इसको बेला है। अब हम इसको उठा के पका लेंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर हम ये रोटी डाल देंगे और इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे, ये देखें अच्छे से पक गई है इस साइड से। तो अब हम एक दस्तरखान की मदद से इसके किनारे इस तरह सेक लेंगे ताकि ये कहीं से भी कच्ची ना रहे। अब हम इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे इसी तरह। ये देखिए, रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको दस्तरखान में रख लेंगे और ऊपर से ढाँप देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। व्यूअर्स, ये हमारे ज़बरदस्त से टोटिया रैप्स तैयार हो गए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने पतले से हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप इन्हें बनाकर डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा रिजनेबल पड़ते हैं। तो आप इन्हें बनाकर किसी जिपलॉक बैग में 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी इन्हें निकालें तो उसके बाद जिपलॉक बैग को अच्छी तरह से बंद कर दें। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।